हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्यूशन. सॉल्यूशन इज रीड द स्टेटमेंट्स 1 to 5 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पांच स्टेटमेंट्स दिए हैं, बताना है हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर फॉल्स. इनमें से कितने स्टेटमेंट फॉल्स है. फर्स्ट वन इज परमानेंट टिश्यूज इन प्लांट्स डू नॉट हैव कैपेबिलिटी ऑफ डिविजन. ये तो ट्रू है. हमें पता है कि जो मेरिस्टम्स होते हैं, मेरिस्टम्स में जो मेरिस्टमेटिक सेल्स है वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल है, उनमें एबिलिटी है डिवाइड होने का. लेकिन जब उनके सेल्स डिफ्रेंशिएट होंगे, वो डिफरेंशिएट होकर क्या फॉर्म कर रहे हैं, परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू. तो डिफरेंशिएशन से होगा क्या, वो जो सेल है वो डिवाइड करने की एबिलिटी लूज कर देंगे और वहाँ पे स्पेशलाइज हो जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. तो ये तो ट्रू है. आफ्टर ग्रेजिंग बाय हर्बीवोर्स ग्रासेस रीजनरेट देयर लॉस्ट पार्ट्स बाय द एक्शन ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टम. ये भी ट्रू दिया है. ये अगर हम देखें इंटरकैलरी मेरिस्टम कहाँ होते हैं, जैसे कि अगर हम देखें स्टेम की अगर हम बात करें, यहाँ पर स्टेम में इंटर नोड्स के बेस पे है ऐसे. तो ये किसमें इन्वॉल्व होते हैं, इनके एक्टिविटीज से जो है ये प्लांट ऑर्गन का लेंथ इंक्रीज होता है. तो अगर हम देखें यहाँ पे तो इंटरकैलरी मेरिस्टम, ये जो ग्रेजिंग एनिमल जब ये क्या करते हैं, ये जब ग्रास को ईट करते हैं तो जो लॉस्ट पार्ट है वो रीजनरेट होता है बाय द एक्शन ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टम. टू दिया है. इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ एपिकल मेरिस्टम. ये फॉल्स है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है, ये अगर हम देखें जैसे कि डाइकोट स्टेम की अगर हम बात करें, तो डाइकोट स्टेम में ये जो वस्कुलर बंडल्स है इनके बीच में जो कैम्बियम होगा, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम है, ये कौन सा, फेसिकुलर कैम्बियम है. लेकिन जब सेकेंडरी ग्रोथ होता है, लेटर इन स्टेज में अगर हम देखें, जब सेकेंडरी मेरिस्टम डेवलप होते हैं, उनमें एक मेरिस्टम जो यहाँ पर डेवलप हो रहा है इनके बीच में ऐसे वाले, ये क्या इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है. तो ये जो होता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ये एक तरह का सेकेंडरी मेरिस्टम है. एपिकल मेरिस्टम का एग्जांपल नहीं है. एपिकल मेरिस्टम क्या होते हैं, ये जो होते हैं, इसमें एग्जांपल अगर हम देखें जो शूट एपिकल मेरिस्टम हुआ, रूट एपिकल मेरिस्टम हुआ, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम क्या हुआ, एक तरह का यहाँ पे लेटरल मेरिस्टम कह सकते हैं. तो अगर हम देखें यहाँ पे, ये तो फॉल्स है. मेटाजाइलम इज अ टाइप ऑफ प्राइमरी जाइलम, ये ट्रू दिया हुआ है. जो प्राइमरी जाइलम है, जो पहले अपीयर हो रहे जाइलम, उनमें अगर हम देखें दो टाइप का हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑरिजिन. जो पहले अपीयर हो रहा है वो कौन सा, प्रोटोजाइलम, और लेटर जो अपीयर हो रहा है वो कौन सा, मेटाजाइलम है. मेटाजाइलम एक तरह का प्राइमरी जाइलम है, सही है, ट्रू है. वेसल्स आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल सीड प्लांट्स, ये फॉल्स है, क्योंकि अगर हम देखें सीड प्लांट में क्या आते हैं, जिम्नोस्पर्म भी आते हैं, इसमें जिम्नोस्पर्म भी आता है. यहाँ पर अगर हम देखें ये ई है, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स दोनों आ रहे हैं, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. एंजियोस्पर्म्स में तो वेसल प्रेजेंट है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में अगर हम देखें इनमें वेसल्स नहीं होता. तो ये तो फॉल्स, फॉल्स कितने हैं, दो. सो यहाँ पे एक, ये पहला एक जो दिया, ये तो यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे दो फॉल्स है. ये करेक्ट होगा, दो फॉल्स है, तीन नहीं है, ये वाला गलत है, देन चार भी नहीं है. करेक्ट आंसर ऑफ दिस सेकेंड वन, दैट इज टू. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू नाउ ऑल द